गौरव जी आपके पास आता हूँ, जो बात करें मार्केट्स की, अप्रोच क्या रखें इन्वेस्टर्स, अब क्या लगता है कि ये जो बहुत स्ट्रॉन्ग सर्च आ गया एफआईएस की खरीदारी के चलते, क्या ये अभी और कैरी होगा? और पहला स्टॉक अगर आपको चुनना अपने पोर्टफोलियो में होली पे, तो कौन सा स्टॉक चुनेंगे आप? देखिए, हमारे हिसाब से आने वाला साल काफी अच्छा रहना चाहिए। ऑलमोस्ट जो हम सेंसेक्स के जो ईपीएस है 20% की ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मिड कैप के अंदर भी अगर एक लार्ज कैप बढ़ता है, मिड कैप डेफिनेटली बढ़ते हैं, मल्टीबैगर भी क्रिएट होते हैं। कुछ स्टॉक्स आज हमने चुने हैं जो मल्टीबैगर नहीं, बट यस, ये काफी अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकते हैं। अपार इंडस्ट्रीज एक अच्छा स्टॉक है, बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट्स इन्होंने पोस्ट करे हैं। 2.7 करोड़ के प्रॉफिट के सामने इन्होंने ऑलमोस्ट 68 करोड़ के प्रॉफिट्स पोस्ट करे हैं। अगर हम अदर इनकम निकाल देते हैं तो भी 25 करोड़ के प्रॉफिट्स होते हैं। सो ये एक बेहतरीन स्टॉक है जो आपको आगे आने वाले टाइम के अंदर आपको अच्छे रिटर्न्स आपको दे सकता है। 475 रुपए के आसपास ये स्टॉक अवेलेबल है, 625 रुपए का टारगेट हम देना चाहेंगे इस स्टॉक को।